भाजपा में लाडली बहना योजना को अपनी महत्वाकांक्षी योजना बताया है। इस योजना पर कांग्रेस के हर सवाल के जवाब में भाजपा मैदान में आ चुकी है। भाजपा का मानना है कि यह योजना कांग्रेस के समय लागू होती तो केवल 500 रुपये महिलाओं को मिलते, बाकी पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते। इसी मामले को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी संकेत के साथ देश के आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। कल यानी 10 जून को मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार शिवराज सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये डाले गए हैं। आज इसी योजना की जानकारी के बारे में हम भाजपा के कार्यकर्ता और एक कार्यकारी सदस्य महिला सदस्य से इस बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूँ कि ये चर्चा केवल विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है। यहाँ व्यक्त विचार से चैनल को इत्तेफाक नहीं रखता है। हम किसी राजनीतिक दल, जाति, वर्ग, व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते हैं और न ही किसी का विरोध करते हैं। तो आइए हम भाजपा के कार्यकर्ता रमा पाटीदार से जानते हैं कि उनका इस विषय पर। हम बात करें लाडली लक्ष्मी योजना की या नारी सम्मान योजना की, दोनों ही योजनाएं महिलाओं से जुड़ी हैं। आज हमारे साथ चर्चा में एक महिला जुड़ रही हैं जो भाजपा की पदाधिकारी भी है, ग्रामीण महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। रमा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मध्य प्रदेश में कल शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना का शुरुआत किया और 1,000 रुपये डाले। ये योजना की खासियत क्या है? ये योजना की खासियत ये है कि हर महिलाओं को इसका फायदा मिला है और हर महिला इतनी खुश थी कि मतलब मान लो कि मतलब कोई बड़ा अधिकारी पदाधिकारी का पद मिलता है और आदमी खुश होता है ना, ऐसे खुश थी सारी महिलाएं और सभी ने इतना मतलब उत्साहवर्धन किया है कि उन्होंने नाच झूम करके अपने जैसे ग्रामीण पंचायत है उसमें हर कार्यक्रम ऐड भी करा है और अपने जैसे शिवराज मामा जी है उन्होंने बोला भी है कि अगर 5 साल के अंदर बढ़ाते बढ़ाते उनके खाते में 3,000 तक देंगे। इस योजना के में आगे भविष्य में क्या होगा? सुनने में आया कि चुनाव के बाद हो सकता है इस योजना को बंद किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चुनाव में हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी जो पार्टी है, अपने जो सरकार है, उस सरकार मतलब उसके बाद भी हमेशा ये योजना चलाएगी, लाडली बहना भी चलाएगी, लाडली लक्ष्मी भी चलाएगी और इसको हर महिला, हर बहन, हर लाडली बेटियों को ये योजना का लाभ मिलेगा। हम बात करें खरगोन विधानसभा की, तो खरगोन विधानसभा में ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिसे आप पहली पसंद मानते हैं? ऐसा कौन सा चेहरा होगा, ऐसा कौन सा नेतृत्व है जिसको आप विधानसभा का दावेदार मानेंगे? देखो, हम तो अगर आपने विधानसभा अगर किसी को भी टिकट देती है तो हम तो उसके साथ खड़े रहेंगे क्योंकि हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम सब के अगर किसी को भी मिलता है हमको काम करने से मतलब है और हमारे जो खरगोन की जो 6 सीटें हैं वो 6 के 6 ही सीटें बिल्कुल जीतेगी और उनके साथ हम खड़े रहेंगे। मतलब आपको विश्वास है कि इस बार भाजपा 6 की 6 सीटें? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि 6 के 6 सीटें अपनी आएगी। एक बात हमेशा उठती है कि भाजपा पर आरोप लगता है कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आने के बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्या वास्तविकता है इस आरोप में? ऐसा नहीं है। जैसे कांग्रेसी लोग हैं वो अपनी सोच को आगे सिर्फ बढ़ाने के लिए है, काम तो कुछ करते नहीं है। अगर जो योजना अगर भाजपा निकालती है तो उसमें टांग अड़ाने की जरूरत मतलब जरूरत करते हैं। अगर यही योजना अगर कांग्रेस के पूर्व में होती तो 1,000 रुपये के बदले वो 500 रुपये भी बड़ी मुश्किल से डालते उसमें तो। और हमारी जो योजना चालू हुई है तो उसमें बिल्कुल 2 महीने के अंदर सारी कार्यकर्ताओं ने अपना जो भी काम था वो पूरा करके ना जो तारीख को बोला था वही तारीख के 1,000 रुपये। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 1,000 रुपये में से 500 रुपये मिलते तो बाकी 500 का क्या होता? बाकी तो जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी जेब में चला जाता और नाश्ते खाते। आज की विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आगे एक ऐसी खबर आएगी इसी रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसूंगी, AZ24। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल AZ24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।